अच्छा, खाने में क्या पसंद है सबसे ज्यादा? दाल और रोटी, मूंग की दाल और रोटी। This is the story of Kanwal Singh Chauhan, a Padma Shree Awardee farmer who has done so much in agriculture industry that it's impossible to cover all that in one video. And we were lucky to get some time to sit and chat with him about his ambitions and what all are his plans for future. आपकी फैमिली में कितने लोग थे आपने शुरू करा? फैमिली में 1978 में जब मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता था, हाँ जी, तब से मैंने खेती करनी शुरू की। 10वीं से ही शुरू कर दिया? 10वीं से ही। 10वीं में है, मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई थी। अच्छा। तो सबसे बड़ा परिवार में मैं ही सदस्य था, तो इसलिए खेती करना उस समय जरूरी था, क्योंकि एकमात्र साधन खेती बाड़ी था। पहले खेती से ही चल रहा था आपका? हाँ, तो इसलिए 1978 में खेती शुरू कर दी। खेती शुरू करी थी आपने? और 1980 में बासमती धान की खेती शुरू करी। 1980 में तो बड़ा अच्छा किसानों को फायदा हुआ। पहले मैंने शुरू की, पूरे गांव ने शुरू कर दी, तो किसानों को बहुत अच्छा फायदा हुआ। बासमती धान नहीं होती थी उससे पहले, कमर्शियल खेती धान की नहीं होती थी, तब थोड़े बहुत चावल की खेती कर लेते थे लोग अपने लिए। अपने लिए करते थे? अपने लिए सिर्फ। लेकिन आपका कभी ये था बचपन में, 10वीं से पहले, कि मुझे क्या बनना है, क्या करना है आगे जाके? इच्छाएं होती थी पहले, हर आदमी ये सोचती थी नौकरी करनी है, नौकरी ये सोचते थे। सरकारी नौकरी का? नहीं, सरकारी प्राइवेट कैसी भी नौकरी। अच्छा। किस्मत में नहीं थी, कहीं भी नौकरी का चांस नहीं मिला, ना सरकारी का ना प्राइवेट। हाँ, का उसके खेती के बाद से तो एक बार भी नहीं सोचा होगा नौकरी के बारे में? खेती में रहे, खेती के साथ साथ पढ़ाई करी, पढ़ाई करके LLB की, वकालत करने की सोची, पर खेती से हट ही नहीं पाए। हट नहीं पाए? नहीं। आपके छोटे भाई थे? हाँ, तीन छोटे भाई थे जो खेती में, खेती में सहयोग करते थे। तब आप क्यों नहीं, आपने क्यों सोचा कि चलो ये संभाल रहा है खेती में, नौकरी करता हूँ, वकालत करता हूँ? नहीं, लेन देन का जो काम था ना, वो नहीं संभाल पाता था मेरे अलावा किसी पे, क्योंकि कर्ज था और कर्ज को मैनेजमेंट करना हर आदमी के बस की बात नहीं था। तो फिर आपने बेबी कॉर्न जब शुरू करा, तो आपने बेबी कॉर्न ही शुरू करा और कुछ अलग कहाँ से मिला बेबी कॉर्न? जैसे हर किसान भारत में, प्रत्येक किसान पे लगभग कर्ज है, 90% किसानों पे। तो हम सेंसिटिव जा रहे थे, तो इस कर्ज को उतारने के लिए कैसे कमाया जाए, इस और थोड़ा सा ध्यान दिया। तो इसमें विभिन्न बहुत से काम करे, जैसे कि पहले बासमती धान की खेती शुरू की, फिर डेयरी शुरू करी, बायोगैस प्लांट लगाया, जैविक खेती शुरू की। सोचा कि खेती से ज़्यादा आमदनी कैसे ली जा सकती है। अच्छा। तो इसी में 1998 में बेबी कॉर्न की खेती। बेबी कॉर्न कैसे पता चला? बेबी कॉर्न कहाँ से आया? बेबी कॉर्न कैसे पता चला कि एक हमारे गांव के यहाँ सुरेंद्र कुमार चौहान थे, ICR में थे टेक्निकल ऑफिसर, वे किसी को लेकर यहाँ आए थे हमारे घर पर। तो उन्होंने कहा कि हम बेबी कॉर्न का बीज बनाते हैं और इंडिया में हम ही हैं। उनका नाम था धीरज असनानी। अच्छा। तो हमें हमारा इंटरेस्ट पैदा हुआ। सुरेंद्र जी, धीरज जी को लेकर आए थे आपके पास? सुरेंद्र जी धीरज असनानी जी को लेकर आए थे, जिनकी प्योर सीड कंपनी के मालिक थे। अच्छा। जो तो जब वे आए तो उनसे चर्चा हुई, तो बातचीत में निकला कि वे बेबी कॉर्न का बीज बनाते हैं। हमने पूछा कि बेबी कॉर्न क्या होता है? तो बताया कि मक्का जैसी एक खेती होती है और उसकी जो गुल्ली है वो बेची जाती है और वो 70 रुपये किलो बिक जाती है। अच्छा। वो 3 क्विंटल पैदा हो जाती है एक एकड़ में। हमने सोचा कि 21,000 की आमदनी तो बहुत है, जब गेहूँ और धान से 21,000 की आमदनी नहीं होती थी उस जमाने में। तो हमने बो दिया और उस टाइम पे 21,000 नहीं, करीब 25,000 रुपये एकड़ की हमें आमदनी हुई। तो उसमें लग गए, फिर पहले हम लगे, फिर पड़ोस के 2-4 किसान लग गए, फिर पूरा गांव शुरुआत हो गई। उसके बाद बैंक से हमने लोन लिया गवर्नमेंट की स्कीम के तहत, जिसमें पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग यूनिट थी, 3-4 लाख की मशीनरी थी उसमें। तो उससे ही हमने शुरू कर दिया, छोटे से तो शुरू किया था। अच्छा। बेबी कॉर्न के अलावा अभी यहाँ पे और क्या क्या उगाते हैं आप? किस-किस की प्रोसेसिंग होती है? अलावा जो प्रोसेस होता है, हम मुख्य रूप से 4 फसलों की प्रोसेस करते हैं। एक तो बेबी कॉर्न, दूसरा स्वीट कॉर्न, तीसरा टमाटर और चौथा मशरूम। तो हम सुनते थे भाई आज के पोस्ट हार्वेस्ट का अच्छा टाइम आएगा देश में, जरूरी होगा, कैनिंग यूनिट बनानी जरूरी होगी, कैन करके हम अपनी सब्जियां विदेश में भेज सकते हैं। प्रोसेसिंग में क्या होता है? तो प्रोसेसिंग में हम बेबी कॉर्न को कैन करते हैं, जिससे उसकी लाइफ बढ़ जाती है, वो 3 साल की लाइफ हो जाती है। तो आपके फार्म में मेरे को उन्होंने बताया था राहुल जी ने कि टेक्नोलॉजी बहुत यूज़ करते हैं, कि टेक्नोलॉजी से हम दूर नहीं होते हैं। राहुल जी कह रहे थे कि हम बहुत प्रोग्रेसिव हैं। नई टेक्नोलॉजी जो आती है उसको हम कोशिश करते हैं कि वो उसको अपनाएं। जैसे कि हमने कैनिंग यूनिट लगाई हुई है, ये कैनिंग में जो नई टेक्नोलॉजी आती है उसको भी हम देखते हैं क्या आया हुआ है अब। और जैसे कि यहाँ एक समस्या आई पर्यावरण को लेकर, कि लोग
पेडिस्ट्रा जलाते हैं और विस्ट्रा जलाते हैं, तो उसको देखा तो सरकार की स्कीम के अनुसार उन्होंने सीएचसी कस्टम हायरिंग सेंटर का डिक्लेयर किया सरकार ने। कस्टम हायरिंग सेंटर में क्या मशीनें दे दी जाती है एक सेंटर को, किसी एक सोसाइटी को या एफपीओ को, एक संस्था को मशीनें दे दी जाती है जिससे कि वो बंडल बांध के उसका प्रयोग कर सके, मतलब आग ना लगाए किसान उसका, एकदम उसका मैनेजमेंट कर ले, जो रेड्यूस है क्रॉप रेड्यूस का मैनेजमेंट, पूरे खेत का एक बंडल, पूरे खेत में छोटे छोटे बंडल बन जाएंगे, बंडल बन जाएंगे उठा लाएंगे और उसका प्रयोग हम या तो पेपर बनाने में करेंगे या उसको बॉयलर में जलाने में इंधन के रूप में कर सकते हैं या उसके विभिन्न प्रयोग है। आप यूज करते हैं? हाँ, हम अपने बॉयलर में सारा वही जलाते हैं, लकड़ी कोयला या बिजली से हम स्टीम नहीं बनाते। One thing that I learned while talking to him is that he has given to his community a lot, and maybe that's the reason why he has grown so much, because when you provide to the community provides back. किसानों को हमने 2009 से ही चार फसलों का न्यूनतम गारंटी मूल्य देना शुरू किया। जैसे जैसे सरकार गेहूं का एक एमएसपी देती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ओके, इसी तरह से मिनिमम गारंटी प्राइस देते हैं, एमजीपी देते हैं अपने किसानों को। तो यदि आजादपुर मंडी में महंगा बिक रहा तो बेचो, यदि वहाँ नहीं बिक पाया, यदि बेबी कॉर्न वहाँ 10 रुपए किलो भी होगा तो आज का रेट हमारा 50 रुपए किलो है, 50 रुपए किलो से नीचे हम नहीं खरीदते, तो 50 रुपए किलो किसान का बेबी कॉर्न हम खरीद देंगे मंडी में, भले ही कुछ भी रेट हो, 10 हो 20 हो 40 हो, तो मिनिमम गारंटी प्राइस में हम बेबी कॉर्न का 50 रुपए किलो देते हैं। लोगों को श्योरिटी रहती है उगाएंगे तो यहाँ बिक जाएगा, श्योरिटी होती है। किसानों को एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी हमने शुरू कर दिया है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, हाँ, किसानों को बीज देखने, उनसे बुवाना और उनको 8.5 रुपए किलो में वापिस स्वीट कॉर्न खरीदने का काम हम कर रहे हैं। जैसे हमारी हरियाणा सरकार की योजना है कि धान से जो चावल बोते हैं किसान, ज्यादा पानी लगता है, उससे मक्का पर डाइवर्ट करना है, ये सरकार की योजना है। देखो सरकार भी चाहती है कि किसान आगे बढ़े, अब इससे जो सरकार की योजना अनुसार ये सब ये काम हम कर पा रहे हैं कि सरकार ने अच्छी योजना बनाई है किसानों के लिए। जैसे कि ये अभी केंद्र सरकार ने एक योजना किसान संपदा योजना बनाई है, किसान संपदा योजना, हाँ, उसमें मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग की योजना है, तो उसमें यदि एग्रो इंडस्ट्रीज कोई लगाते हैं जिसमें किसान का माल प्रोसेस होता है, उनमें 5 करोड़ तक की सब्सिडी का MOFPI ने प्रावधान किया है, उससे किसानों को फायदा क्या होगा, किसान इंडस्ट्री तो लगा नहीं पाएंगे, पर जो इंडस्ट्री लगाएंगे उनको एक कच्चे माल की जरूरत पड़ेगी जो किसानों से ही खरीद सकते हैं, तो किसानों का माल अच्छे रेट में बिकेगा। अच्छा। इसका किसानों को इनडायरेक्ट रूप से बहुत बड़ा फायदा, इनडायरेक्ट रूप से फायदा है। सरकार योजनाएं बनाती हैं जैसे आप बता रहे हैं, उसमें किसानों से सलाह लेती हैं, उनसे राय लेती हैं कि भाई हम ये योजना बनाएं कि इस टाइप, जैसे आप इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं, आप प्रोसेसिंग यूनिट्स लगा रहे हैं, तो सरकार आपसे पूछती है कि भाई इसमें फ़ायदा होगा कि नहीं होगा, मतलब आपका कोई राय होती है? सरकार योजना बनाने से पहले पूछती जरूर है। अच्छा। पर उसे जब पूछ रहे हैं तो किसको क्या पता, किस किस को बुलाया जाए तो किसी को पता नहीं होता। हाँ। सरकार तो सर्च करती है कौन आदमी इसमें सहयोग कर सकते हैं, तो कई योजनाओं में हम सरकार के साथ रहे हैं, जैसे कि मैं सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में मेंबर भी रहा हूँ। अच्छा। 3 साल अभी ICR की गवर्निंग बॉडी का मेंबर हूँ, और समय समय पर सरकार को अपने जो सलाह है वो हम देते रहते हैं। जब मैं पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में सदस्य था, हाँ, तो मैंने एक बात रखी थी कि इंसेक्टिसाइड पर पूर्णतः रोक लगा दी जाए, पूरी तरह से रोक, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रदूषण यदि अपने देश में हो रहा है तो वो पानी से हो रहा है, कि पानी के साथ जहर घुल कर भूमिगत पानी में जा रहे हैं और उसको लोग पी रहे हैं। प्रकृति में अब पहले से ही बैलेंस है, जब कीड़ा मकोड़ा फसल को खाने वाला कीड़ा आता है तो उस कीड़े को खाने वाला दूसरा कीड़ा समय ही पैदा हो जाता है, और जब हम जहर का स्प्रे करते हैं तो दोनों कीड़े मर जाते हैं, फसल को खाने वाले भी मरे या ना मरे, पर जो मित्र कीड़े भी जल्दी मर जाते हैं उनको खाने वाले। He seemed concerned. Throughout the video, he kept gravitating towards this issue of insecticides and pesticides and how they are affecting us humans and nature. And seeing this made me realize, if all farmers thought like he does, very soon we can get rid of all these poisonous insecticides from our food. तब आपका आगे का क्या प्लान है, कि आगे आप खेती को कंटिन्यू करेंगे कि पॉलिटिक्स में जाएंगे, कि कुछ और का प्लान है आपका किस चीज़ का? देखो, हर तरह से मैं एक ऑलराउंडर हूँ। हाँ। सभी विषयों पे मेरी नज़र है और सभी में मैं काम करता हूँ। खेती मेरे यहाँ मजबूरी की विषय है, और खेती में एकमात्र पेशा मेरा आज भी खेती है। तो खेती के साथ साथ मैंने जब खेती में आमदनी नहीं बढ़ी तो प्रोसेस शुरू किया। हाँ। बैंकों से लोन भी लिए,
सरकार से अनुदान भी लिए और किसानों को यहाँ के लगभग 5-6 हज़ार किसानों को जोड़कर उनकी आमदनी बढ़ाई, 250 लोगों को डायरेक्ट रोजगार दिया यहाँ जो हमारी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। और नज़र राजनीति पे भी रखता हूँ क्योंकि राजनीति में भी हमारे सारे प्रॉपर्टी डीलर राजनीति में MP MLA बन गए हैं। हाँ। उनको इतना ज्ञान नहीं है कि क्या करना है, इसलिए जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है वो सारा राज चलाती है। ब्यूरोक्रेसी को भी ज़्यादा पता इसलिए नहीं होता कि वो शहरों में पैदा होकर IAS की तैयारी करके IAS बन जाते हैं और उनको गांव का नॉलेज नहीं होता। तो हमारी भी ये इच्छा है कि अपने देश के लिए हम काम करें, जो गलत नियम बने हुए हैं अंग्रेजों जमाने के उनको सुधारें। इसलिए हमारा ये भी है कि हम राजनीति की तरफ भी कुछ जाएं। हम चाहते हैं कि भारत को सुदृढ़ बनाने में, भारत को एक अच्छा बनाने में हमारा भी कुछ योगदान रहे, इसलिए हमारी इच्छा है कि राजनीति की तरफ भी हम थोड़ा थोड़ा ध्यान रखें और जाएँ। I like the idea of farmer getting into politics. This leads to better representation of people from that area, and someone who knows the problem better can solve them better. पहले भारत में गौधारी खेती होती थी। गौधारी गाय बछड़े रहती थी, बछड़ों में बैल से हल चलते थे, रेहट चलते थे, पानी का चोया सतर कभी नीचे नहीं जाता था क्योंकि बड़ी मेहनत से पानी निकलता निकालते थे हम। अब तो बटन दबाते पानी निकलता, कितना निकालो, वेस्ट जा रहा तो वेस्ट जाने दो। तो किसान अभी हमारे यहाँ मैं देखता हूँ, रात को मैं किसी दिन 11 बजे आता हूँ दिल्ली से, तो देखता हूँ तो पानी का सरकारी ट्यूबवेल चला हुआ है और कहीं भी उसमें टेप लगी हुई नहीं है और ज़मीन से पानी उबल रहा है और नालियों में जा रहा है। तो सरकार भी ज़्यादातर इसको बर्बाद कर रही है। जब हम उनसे पूछते हैं कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो वो बताते हैं कि हमें तो इतनी यूनिट चलाना ट्यूबवेल रोज जरूरी है, इसलिए चला के छोड़ देते हैं। जरूरत हो ना हो, जरूरत हो या ना हो, चला के छोड़ देते हैं, यूनिट निकालनी जरूरी है। तो ऐसी व्यवस्था सरकार जो बर्बादी कर रही है, सरकार को भी इस तरफ ध्यान देना चाहिए। देयर इज अ सर्टेन सेंटीमेंट दैट ऑल फार्मर्स हैव टुवर्ड काउज, दे वैल्यू देम, दे वर्शिप देम, एंड फॉर देम इट्स देयर सोर्स ऑफ लाइफ, एंड ही इज नो डिफरेंट। आज भी मेरा तो एक विचार है कि घर के अंदर गाय होगी है, परिवार उसका उस गाय को सेवा करेगा या उसको चारा खिलाएंगे। हाँ। यानी उनके संपर्क में रहना पशु के। अच्छा। गाय पशु दुनिया में एक ऐसा पशु है जिससे संपर्क के रहने से में आदमी को डिप्रेशन जैसी कोई बीमारी या किसी भी तरह की कोई बीमारी, चेचक जैसी बीमारी नहीं होगी। तो मेरा तो कहना है कि यदि आपको डिप्रेशन से बाहर होना है तो एक घर में एक गाय बांध ले और उसकी सेवा करे और उसका दूध पिए, उसके बने व्यंजन पदार्थ खाए तो मुझे, और उसके गोबर से मूत्र से खेती करें तो कोई भी समस्या उस परिवार पर आने वाली नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, वी हैव बीन वर्किंग रियली हार्ड ऑन दिस वीडियोस एंड टू ब्रिंग सम कंटेंट आउट दैट इज वैल्यूएबल, दैट मेक्स सेंस, एंड दैट इज क्वालिटी कंटेंट। इफ यू लाइक दिस टाइप ऑफ कंटेंट, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, शेयर द वीडियो टू एज मेनी पीपल एज यू कैन, एंड लीव अ कमेंट बिलो ऑफ व्हाट एल्स डू यू वांट टू सी, व्हाट एल्स वी कैन क्रिएट। Hit the like button and just support us, support the community.